सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज फिर जो है व्लॉग लेट होने वाला है, मतलब जो आप कल देख रहे थे वो लेट ही आएगा। तो कल जैसे आपको पता है परसों बहुत लेट हो गए, रात को 11 ही बज गए हमें। तो पहले मुझे अपनी दूसरी वीडियो का काम करना था, चक्कर में लेट हो गया। कोई नहीं, ये टाइम पे डाल देंगे। तो 10 बजे का टाइमिंग है फिलहाल, याद रखना। आगे पीछे हो सकता है, ये मैं बाद में बता दूंगा जब भी टाइम के हिसाब से जो भी हुआ। और ये कुत्ता बिगड़ चुका है, अभी पनीर खा लेता है लेकिन जो इसका दही है जो पेडिग्री डाल के अंदर ग्राइंड करके दी वो नहीं खाता, ये वैसे ही पड़ा है। अब जो है इसे ये ज़बरदस्ती चम्मच के साथ खिलाया जाएगा जैसे उस दिन खिलाया गया था। तो खा ले बेटा पनीर पहले, बाद में तेरी बारी आएगी दही खाने की। खा ले चबा ले अच्छी तरह से, चबा ले। तो अभी मॉम जो है बना रहे हैं नाश्ता, पनीर वाली भुर्जी, तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और हमेशा की तरह सौरभ फ़ोन पर लगा हुआ है कुछ करने। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये देखिए शरेआम वायलेंस हो रहा है, इसे ऐसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है चम्मच के साथ, वैसे ये खाता नहीं है। व्लॉग तो अपना जी हो गया डन, अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। डिले के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कल बहुत लेट हो गया इसलिए व्लॉग लेट आया। ये तो बस यही कारण था। पता है आप लोगों को कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है काम और व्लॉग डेली, और अभी तो आधा साल भी नहीं हुआ। अभी मैं तो आया हूँ किचन में अपना दही लेने के लिए। सो अपनी नेक्स्ट टाइम का हो गया है डाइट का टाइम, तो ये बाद में खाएंगे ये है अनार। तो पहले हमारा जो है दही का टाइम। जितने भी व्यूअर्स जिनको दही पसंद नहीं है, तो कभी दही में काली मिर्च थोड़ी सी और शहद डाल के खाना, फैन हो जाओगे। और इसके ऊपर अगर सोने पे सुहागा चाहते हो तो आलू बॉईल करके थोड़े से ना छोटे छोटे चॉप करके पीस, वो भी डाल दो अंदर, और फिर खा के देखना हर रोज़ दही खाओगे हर रोज़। बट यार मेरी किस्मत ख़राब है, शहद ख़त्म हुआ पड़ा है, तो अब बिना शहद के खाना पड़ेगा। तो 4 दिन हो गए मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाया, 5 दिन हो गए मेरा गला फिर ख़राब है बिना किसी बात के। ये मौसम बदल रहा है शायद इसलिए, पता नहीं क्या चक्कर है। अब तो कुछ खाया भी नहीं मैंने बाहर का। हाँ कल डोसा ज़रूर खाया था, लेकिन उससे पहले 4 दिन हो गए घर पर ही थे, तब का गला ख़राब है बिना कुछ ठंडा खाए कुछ भी किए। ये मौसम जब बदलता है ना कुछ मेरे साथ होता ही है। अरे यहाँ तो साबुत काली मिर्च रखी है, मुझे तो चाहिए पीसी हुई। तो ये है मसालों का भंडार, तो इसमें हमें ढूंढनी है काली मिर्च पीसी हुई। ये क्या लगा, अमचूर, नमक, काला नहीं, ये क्या गरम मसाला आदि, तो खाली पड़ी है शीशी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये लिखा है काली मिर्च, मिल गई। अरे इतनी रहेगी बस, चलो अपना काम तो बन जाएगा। और ये जो है हमने खुद पीस के रखी है, तो बिल्कुल पाउडर जो होता है MDH का वो नहीं आपने डालना, वो सीधा गले का लगेगा। तो अगर डालना है तो खुद की क्रश करो, फ्रेशली क्रश करो। तो ये तो करके रखी हुई थी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्रेशली क्रश करके ना जो थोड़ी दानेदार हो वो यूज़ करो। अगर बिल्कुल MDH का पाउडर यूज़ करोगे तो फिर सीधा गले को लगेगा और फिर सुबह लगेगा कहाँ लगेगा। तो मेरा कर रेडी है, तो इतना बड़ा बाउल भर के खाना पड़ेगा हर रोज़ अब, क्योंकि अब मैं अपनी फिटनेस को सीरियसली ले रहा हूँ और मैं फर्स्ट टाइम प्रॉपर डाइट को फॉलो कर रहा हूँ। बिकॉज वेरी फर्स्ट थिंग यू विल नीड टू बिल्ड मसल और फैट लॉस इज ए न्यूट्रिशंस डाइट, और हम वही फॉलो करेंगे अभी। तो डॉबी सोया पड़ा है वहाँ पे और ये अपना काम कर रहा है। हमारी दूसरी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है और अब टाइम आ चुका है हमारे नेक्स्ट मील का। वो तो मैं नीचे लेने चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही धमाकेदार बात बताना चाहता हूँ कि मुझे एक वेबसाइट मिली है जहाँ से मैं मूवीज डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यार मेरे को ना और कुछ नहीं होता, कोई वेब सीरीज नहीं, कोई और मूवी नहीं, मुझे सिर्फ एनिमेशन की जो 3D एनिमेशन होता है ना, तो वो मूवीज मुझे चाहिए होती है। तो मैं वो डाउनलोड कर रहा हूँ अभी, मतलब जो जो मेरे पास नहीं थी। तो बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, तो यार मतलब मुझे सभी तरह की जो है वहाँ पर एनिमेशन वाली भी मूवीज मिल चुकी है जो मुझे पहले कहीं नहीं मिल रही थी। तो हियर इज आवर नेक्स्ट मील। अभी अपना काम हो चुका है और ख़त्म, और जिम का टाइम हो चुका है, अभी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए। ओके बाय डॉबी, चला मैं जिम, मिलते हैं आकर, बाय बाय। अब हम जिम से निकल चुके हैं और जा रहे हैं जस्सी के पास। ये देखो सांड रास्ते में बैठा है, साइड से गुजरना पड़ेगा भाई, मरना मत। सो जस्सी ट्रीट दे रहा है आज दही वाले गोलगप्पे की। ऑस्कर ऑस्कर देखो डड्डू भी पार रखे हैं मेंढक। हेलो मेंढक,